अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास थ्री इंग्लिश. टॉपिक हमारा डियर क्वीन आन लेटर जो था. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी रिटन कम्प्रिहेंशन जो है कम्प्लीट किया था. आज हम करेंगे इसका बुक वर्क. पेज नंबर है हमारे पास 42 एंड 3. जी, पेज नंबर 42 एंड 3 आपको सामने यहाँ पे पेज के ऊपर बबल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे. साइड पे एक के ऊपर है और दूसरा फिर ये इस तरफ है. इधर लिखा हुआ है एंटोनिम्स. क्या लिखा हुआ है? एंटोनिम्स. एंटोनिम्स करते हैं जो हम उर्दू में करते हैं ना, उल्ट अल्फाज. ठीक है, कि एक लफ्ज़ हमने बोला है जैसे सफ़ेद काला, अंधेरा रोशनी, दूर नज़दीक, इस तरह से. यानी कि एक लफ्ज़ का जो उल्ट हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स. वर्ड्स और उनके बाद उसके एंटोनिम्स. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है, एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग. एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स, के वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का उल्ट मतलब रखते हैं. सर्कल द टू करेक्ट एंटोनिम्स फ्राम ईच सेट ऑफ वर्ड्स. कह रहे हैं कि जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनमें से जो एंटोनिम वर्ड हैं उनको सर्कल करें. तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इनको सर्कल किया हुआ है. हमारे पास 10 वर्ड्स हैं. हर जो वर्ड हैं वो हमारे पास 3 हैं. ठीक है, एक रो में कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? 3. और उनके हमने सर्कल करने हैं जो करेक्ट एंटोनिम्स हैं, जैसे कवर, रिवील, ढांक के रखना और जाहिर कर देना, अवेक, अस्लीप, लूज, टाइट, सैड, चेयरफुल, न्यू, ओल्ड, पुश, पुल, नो वन, एवरी वन, डर्टी, क्लीन, ओपन, शट, स्वीट, बिटर. आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो वर्ड्स बोले इनको मैंने लेड पेंसिल से सर्कल भी किया हुआ है. आपने भी इनको ऐसे ही सर्कल करना है जो आपस में अपोजिट हैं, जैसे ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये. इस तरह से आपने क्या करना है, इनको आपस में सर्कल कर देना है. उसके बाद आ जाए सिनोनिम्स पर. सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग. सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स. सिनोनिम्स कहते हैं ऐसे अल्फाज जो आपस में एक जैसा मतलब रखते हैं. लफ्ज डिफरेंट होते हैं लेकिन जो उनके मीनिंग होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे अंधेरा, अंधेरा तरीकी. ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में जब हम आ जाएंगे, सर्कल द टू करेक्ट सिनोनिम्स फ्रॉम ईच सेट ऑफ वर्ड्स. कह रहे हैं कि आपको सेट दिए हुए हैं, इनके अंदर जो सेम मीनिंग के वर्ड हैं उनको सर्कल करें. जैसे फर्स्ट है सिली, फुलिश. सिली भी बेवकूफ़ को कहते हैं और फुलिश भी बेवकूफ़ को ही कहते हैं. सिली, फुलिश, हैप्पी, ग्लैड, कलर, टोन, आस्क, क्वेश्चन, रिंग, सर्कल, बिहाइंड, बैक, फिनिश, एंड, नियर, क्लोज, केव, टनल, शो, डिस्प्ले. आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जो सेम वर्ड मीनिंग है और डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको क्या कर दिया है, सर्कल. आपने भी इसी तरह से इन वर्ड्स को सर्कल करना है, इधर भी जैसे मैंने किया हुआ है और इधर भी. नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे आ जाएं. जी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. आपको फ्रंट ऑफ द पेज नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने हमें दिया हुआ है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. राइट विच टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स एंड विच आर एंटोनिम्स. के लिखें इनमें के ऊपर जो सिनोनिम है उसके ऊपर लिखें सिनोनिम और जो एंटोनिम है उसके ऊपर लिखें एंटोनिम. ईट गोबल खाना है, दोनों का मतलब सिनोनिम. मेट बिल्ड, दोनों का मतलब है तमीर करना या बनाना, सिनोनिम. डिसअपियर वैनिश, सिनोनिम. एक्सीलेंट फ्लॉलेस, सिनोनिम. हाई लो एंटोनिम. डाउन बिलो सिनोनिम. डे नाइट एंटोनिम.
ब्लैक वाइट एंटोनिम गेन अर्न सिनोनिम प्रैक्टिस रिहर्सल सिनोनिम मैन वुमेन एंटोनिम लाइट डार्क एंटोनिम वन ओनली सिनोनिम असलीप अवेक एंटोनिम सैड अनहैप्पी सिनोनिम रेस्ट रिलैक्स सिनोनिम सिक हेल्दी एंटोनिम्स टॉप बॉटम एंटोनिम फैट प्लम्प सिनोनिम ड्राई वेट एंटोनिम जैसे मैंने लिखा हुआ है नीचे उन्होंने हमें ऊपर वर्ड नीचे येलो में एक बार दी हुई है इसके ऊपर आपने लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है ए और एस मैंने सिनोनिम को एस से शो किया हुआ है और एंटोनिम को ए से शो किया हुआ है आप चाहे तो एस और ए लिख लें लेकिन बेहतर यही है कि आप भी जैसे मैंने स्पेलिंग्स कंप्लीट लिखे हुए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आप इसको ऐसे ही कंप्लीट करें ये आज का आपका होमवर्क है बुक वर्क आपने घर में कंप्लीट करना है और साथ में इसकी रीडिंग करनी है और डेफिनेशन ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स जो है इसको अच्छे से लर्न करना है ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन ये आज का आपका होमवर्क है अल्लाह हाफिज़।